हम पहला स्टोइंग का मेथड देखते हैं, तरीका देखते हैं हैंड पिकिंग। अभी जो आप लोग को पिछला वीडियो हम बताए हैं डेफिनेशन वाला, स्टोइंग का डेफिनेशन एडवांटेज वाला, उसमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिखे थे ना, वो इसी के ऊपर का था, हैंड पिकिंग के ऊपर। सब के ऊपर आएगा, वो एकदम सिंपल के तौर पे है आप लोग को बताए, ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि हाँ स्टोइंग से किस टाइप का चीज आता है। हैंड पिकिंग, हैंड पैकिंग में हम करते क्या है, हैंड पैकिंग मतलब मैनुअली करना है, इंसानों के द्वारा करना है, कोई इसमें दूसरा एजेंसी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, सरफेस पर, माइन के सरफेस पर स्टॉक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सेंड सेंड का या क्रश्ड स्टोन या फ्लाइस, जो भी आपका मटेरियल है स्टोइंग मटेरियल, उसका एक स्टॉक बना लेते हैं। वहां से हम लोड करते हैं टब में, जो हम कोयला के लिए टब इस्तेमाल करते हैं, वही टब में हम क्या करते हैं, ये स्टोविंग मटेरियल को अंडरग्राउंड में लेकर के जाते हैं। कहां तक, ब्लास्ट आपका स्टोविंग साइट तक, कहां तक लेके जाते हैं, स्टोविंग साइट तक। उस स्टोविंग साइट पर मेन के द्वारा, इंसानों के द्वारा बास्केट से जो वाइड है या गोप है उसमें उसको थ्रो करते हैं। अब आपको बात आएगा कि सर आप ही ना बताए थे गोप का डेफिनेशन, और उसमें बताए थे कि गोप इज नॉट ए वर्किंग प्लेस एंड नोबडी हैज राइट टू एंटर द गोप, ऐसा बताए थे। तो गोप में कैसे आदमी घुस रहा है, क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, और नहीं आ रहा तो हम उठा दिए। बेटा गोप तब बोलते हैं जहां से कोयला निकाल लिया और उसको अनसपोर्टेड कर दिया। जब यदि मैनुअली हैंड पैकिंग से आपको स्टोइंग करना है, तो जब तक सपोर्ट नहीं हटाते, जब तक कि वो पैक नहीं हो रहा है, आगे का पैक हो गया तो वहां का सपोर्ट जो किनारे का निकाल लिया, कुछ छूट भी जाता है, फिर भरते गए लेकिन सपोर्ट पूरा हटाते नहीं है। और बोल्टिंग के केस में तो बोल्ट को ऐसे भी नहीं हटाते हैं, और कुछ फिर हमको प्रॉप कॉक भी लगाना होता है, क्योंकि गोप में किसी को जाने का पावर नहीं है। गोप का डेफिनेशन बताए थे, एनी पार्ट ऑफ बिलो ग्राउंड वर्किंग वेयर फ्रॉम ए पिलर आर पार्ट देयर ऑफ हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, अरे बट इट इज नॉट ए वर्किंग प्लेस, ऐसा बताए होंगे। ठीक है, तो वो जो आपका जहां पे आपको पैकिंग करना है उसमें इंसानों के द्वारा बास्केट से ले जाके भर दिया जाता है। ठीक है, ये हुआ आपका हैंड पैकिंग या हैंड के तरीके से स्टोरिंग करने का मतलब। इसमें आपको पांच बात याद रखिएगा, कितना बात याद रखिएगा, सिर्फ पांच बात याद रखिएगा। ये क्या है, सबसे सिंपल तरीका है, दिस इज द सिंपल सिंपलेस्ट वे ऑफ स्टोविंग। और इसमें कास्ट ज्यादा लग रहा है क्या, नहीं, कास्ट भी कम लगता है, लेस कॉस्ट, इसका क्या फायदा है, लेस कॉस्ट एंड सिंपल। और कैसा ये मेथड, सिंपल है, ठीक है। लेकिन इस ये जो आपका हैंड पैकिंग से आप गोप को पैक कर रहे हैं, ये किसके ऊपर निर्भर करेगा, डिपेंड्स ऑन ह्यूमन फैक्टर फॉर इट्स इफिशियंसी। और इसका स्कोप भी क्या होगा, हम बताए थे कि इससे करते ही नहीं है जनरली, तो इसका स्कोप लिमिटेड है। स्कोप क्या है, इसका स्कोप इज लिमिटेड, यही सब वर्ड पूछ लेगा आपको कि किसका स्कोप लिमिटेड है, तो हैंड पैकिंग का स्कोप इज लिमिटेड एंड डिपेंड्स एंड इट्स इफिशियंसी डिपेंड्स ऑन ह्यूमन फैक्टर एंड इट्स इफिशियंसी। और इसकी कारगरता जो है कितना अच्छा होगा नहीं होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, एंड इट्स इफिशियंसी डिपेंड्स ऑन ह्यूमन फैक्टर, डिपेंड्स ऑन ह्यूमन फैक्टर, मानव के ऊपर निर्भर करेगा इसकी इफिशियंसी, कि बढ़िया स्पेक हो रहा नहीं हो रहा, कि छोड़ छाड़ के मतलब बढ़िया से काम नहीं कर रहा। इसके अलावा एक शिफ्ट में एक आदमी ही कितना बालू भर देगा वहां, ये भी आपको पूछेगा हैंड पैकिंग में। 10 क्यूबिक मीटर, कितना बाबू, 10 क्यूबिक मीटर पर
मैनशिफ्ट, पर मैन शिफ्ट, कहीं कहीं पी आर पर लिखा हुआ, हम उसको ऐसा कर दिया, एक आदमी कितना बालू भरेगा, कितना सेंड भर देगा, मान लो सेंड है या क्रश स्टोन है तो 10 क्यूबिक मीटर पर मैन शिफ्ट, ठीक है। और अब मेन चीज पे आते हैं, हेड पैकिंग का मेन चीज, इसका एप्लीकेबिलिटी कहां है, इसी के ऊपर ना क्वेश्चन था बेटा, वो जो हम स्टोइंग वाला पहला वीडियो आज रात आप लोग को जो हम भेजे हैं, अभी आप लोग के पास नहीं पहुंचा होगा क्योंकि हम दूसरा वीडियो बनाने लगे तो अपलोड होगा जब न जाएगा, उसमें एप्लीकेबिलिटी के ऊपर पूछा था कि हैंड पैकिंग कब करेंगे, और डिग्री दिया था 5 डिग्री सिम रहेगा तब 10 डिग्री ज्यादा रहेगा 25 डिग्री ज्यादा रहेगा ऐसा दिया था ना। तो पहली बात एप्लीकेबिलिटी कंडीशन में इसका ये तीन होगा, दो बात और याद रखना खत्म हो गया, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी कंडीशन में दो बात बताएंगे, तो तीन तो इधर बता दिया, एप्लीकेबिलिटी के दो पांचे ना बोले थे, क्या बोलता, जहां पर हाइड्रोलिक स्टोविंग इफेक्टिव नहीं है वहां पर आपको हैंड पैकिंग करना है, ठीक है। कहां पे करना है हैंड पैकिंग, वेयर हाइड्रोलिक स्टोविंग इज नॉट इफेक्टिव। और कब इफेक्टिव नहीं होगा हाइड्रोलिक स्टोविंग, यदि आपका फ्लैट सीम है, फ्लैट सीम हाइड्रोलिक स्टोविंग नहीं लगाते, ठीक है, या सेलो सीम है तो वहां पर हाइड्रोलिक स्टोविंग इफेक्टिव नहीं होता, वहां पर आप क्या कर सकते हैं हैंड पैकिंग, ठीक है। कब बोले बेटा एप्लीकेबल कंडीशन, वेयर हाइड्रोलिक स्टोविंग, वेयर हाइड्रोलिक स्प्रिंग में कहीं लिखा था किधर उधर हो तो अपना भी देखना बेटा, हाइड्रोलिक स्टोविंग, वेयर हाइड्रोलिक स्टोविंग इज नॉट इफेक्टिव, ये वर्ड याद रखिएगा, इफेक्टिव इधर लिखा है इफेक्टिव, इज नॉट इफेक्टिव, नॉट इफेक्टिव ये याद रखिएगा, हाइड्रोलिक स्टोविंग वेयर, जहां पर हाइड्रोलिक स्टोविंग हम नहीं कर सकते, ये जहां पर हाइड्रोलिक स्टोविंग इफेक्टिव नहीं होता है वहां पर हम क्या करेंगे हैंड पैकिंग करेंगे, एज इन मतलब जैसे कि एज इन फ्लैट एंड सेलो सिम्स, सेलो सिम है या फ्लैट सिम है, ठीक है, तो वहां पर हम जो है हाइड्रोलिक स्टोविंग सक्सेसफुल नहीं रहता है, तो नहीं रहता तो फिर हम क्या करेंगे, कोई ना कोई ऑप्शन चाहिए ना, यदि हमको वर्किंग करना है तो वहां पर हैंड पैकिंग करते हैं। दूसरा एप्लीकेबिलिटी कंडीशन कब है कि ग्रेडियंट ऑफ सिम या सिम इंक्लिनेशन या जो बेड इंक्लिनेशन आप बोल रहे थे, सिम इंक्लिनेशन इज मोर देन, सिम इंक्लिनेशन इज मोर देन 25 डिग्री या सिम इंक्लिनेशन 25 डिग्री से अधिक है, 25 लिखा है बेटा और कुछ मत पढ़ लेना, 25 डिग्री से अधिक है वहां पर भी क्या है, क्योंकि 25 डिग्री से अधिक है तो जहां तक हालत से हमने टब खींच के लाया उसके बाद पुश करके टब को लेके चले जाएंगे और फिर बास्केट से वहां डाल देंगे, तो जहां पर सिम इंक्लिनेशन 25 डिग्री से अधिक है, स्टीपर देन बोला, मोर देन बोला, ग्रेटर देन बोला, एक ही बार, जहां पर सिम इंक्लिनेशन 25 डिग्री से अधिक है, तो वो वाला जो क्वेश्चन था जो पिछला वीडियो में आपको पहला ही हम ऑब्जेक्टिव लिखे थे उसका सही आंसर क्या होगा, मोर देन 25 डिग्री। तो इतना ही ना याद रखना है, कैसा हैंड पैकिंग, इसका स्कोप लिमिटेड है, इसकी इफिशियंसी मानव के ऊपर निर्भर करेगी, ये कॉस्टली कम होता है, लेस कॉस्ट लगता है, सिंपलेस्ट वे है स्टोविंग का, और एक आदमी एक सीट में 10 क्यूबिक मीटर ही को स्टोविंग मटेरियल को पैक कर सकता है, 10 क्यूबिक मीटर, अरे हाथ में 10 ना होता है उंगली, इसी से याद रखना, हैंड पैकिंग हाथ से ना करते बेटा, हाथ से करते तो 10 ना उंगली है, तो 10 याद रख लेना। अब किसी का गलती से छुटका सवाल रहता 11 भी हो जाता, वो अलग बात है, ठीक है, तो 10 ना होता है, हैंड से कर रहे स्टोविंग हैंड पैकिंग, तो हैंड पैकिंग में परमैन शिफ्ट कितना करते हैं 10, ठीक। एप्लीकेबिलिटी कंडीशन, हैंड पैकिंग वहां लगाएंगे जहां की हाइड्रोलिक स्टोविंग इफेक्टिव नहीं होता है, जैसे कि फ्लैट सिम, फ्लैट ग्रेडियंट है या आपका सेलो सिम है, और वहां पर भी ये सुटेबल होता है, ये क्या बोलता है,
ये एक्स्ट्रा वाला हमारे लिए ये मेन महत्वपूर्ण है, ये वहां पर भी सुटेबल, इट आल्सो यूजेस, ऐसा लिख सकते हैं इसमें, हम यहां लिखते कम है, इट आल्सो यूजेस वेयर इंक्लिनेशन ऑफ शिप इज मोर देन 25 डिग्री, ठीक है, 25 डिग्री से भी ज्यादा इंक्लिनेशन है वहां पर भी इस हैंड पैकिंग हम कर सकते हैं। बेटा ये प्लेट के क्या बोलते हैं, प्लेट, इंक्लाइन, स्टीप, वेरी स्टीप, ऐसा इंक्लिनेशन का हम बताए थे, मोटा मोटी बता दे रहे हैं, फिर हम फिर एक आधा बार ग्रुप में चलाएंगे वो वाला वीडियो। प्लेट मतलब ये मेरा सिम है, कहीं इसको मिटा दें, यदि किसी को स्क्रीन शॉट लेना तो ले लो, ले लिया तो हम मिटा दे रहे हैं इसको। ये हल्का सा देख लीजिए उसको, ठीक है, ये मेरा कोल सिम है, ये मेरा क्या है, कोल सिम है, ठीक है बेटा, और ये हॉरिजॉन्टल हो गया, मान लो इसको मैं ऐसा एक्सटेंड कर दे, हुआ ना जी, ये बढ़िया सा हॉरिजॉन्टल नहीं बना, मतलब बढ़िया सा आप लोग बना लीजिएगा, तो ये सिम है ना, ये क्या हुआ आपका थीटा मतलब ग्रेडियंट, ये एंगल और ये एंगल कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। अरे उधर पढ़े थे ना कि दो ऐसी पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को अल्टरनेट एंगल बोलते थे 9th-10th में, अल्टरन, यदि दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल काट रहा है तो ये जो अल्टरनेट एंगल है वो बराबर रहते, ऐसे ना पढ़े थे कि नहीं, तो चाहे ये वाला बोलो चाहे ये बोलो, बोलो एक के बात हुआ, और ये मेरा कोल सिम है, तो इसको ये वाला एंगल को बोल रहे, ये आपका ये सिम हुआ ना, आप ऐसा ना बोलते जी दी इसको हम ऐसा कर देते ट्राइंगल बन गया, तो ये ऐसा चीज हो गया, ये वाला थीटा बोल रहा हूं मैं, ये वाला थीटा बोल रहा हूं, एक के बाद में है ये, इसको यदि ऐसा कर दे तो ऐसा हो जाएगा, ये वाला जो एक लाइन दिखाया है ये हो गया आपका ये कोल सिम, ठीक है, ये एंगल की बात कर रहा हूं मैं जो ये वाला है, या ये एंगल की बात कर रहा हूं जो ये वाला है, तो फ्लैट मेजर्स कब बोलते हैं, फ्लैट मेजर्स बोलो या फ्लैट सिम कब बोलते हैं, हाँ, फ्लैट स्ट्राटा, फ्लैट स्ट्राटम, ये सब एक के बात होता है, वर्ड में चक्कर मत खाना, ठीक है, तो कब बोलेंगे, यदि ये थीटा का वैल्यू थीटा लेस देन 5 डिग्री है, लेस देन 5 डिग्री है, तब क्या बोलते हैं उसको, फ्लैट, क्या बोलते हैं, फ्लैट, और यदि यही थीटा जो है आपका थीटा जो है वो 5 डिग्री से लेके 18 डिग्री तक यदि है ये जो थीटा है, तब इसको बोलते हैं इंक्लाइंड सिम, क्या बोलेंगे, इंक्लाइंड सिम, यदि यही थीटा जो आपका 18 डिग्री से 40 डिग्री तक है तो इसको बोलते हैं स्टीप सिम, ठीक है, और थीटा जो है ये ग्रेडियंट जो है इंक्लाइन, ये थीटा क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ द सिम या ग्रेडियंट ऑफ द सिम, ये थीटा मोर देन 40 डिग्री होगा तो इसको वेरी स्टीप बोलते हैं, वेरी स्टीप, STEEP, वेरी स्टीप, और कोई कोई महाशय जो है इन दोनों को एक ही बोलता है, स्टीप में ही शामिल कर लेता, क्योंकि ये भी 40 मतलब 18 डिग्री से ऊपर जो रह गया ये बोलता हो कि वो सब स्टीप सिम है, ठीक है, 5 डिग्री से 18 डिग्री तक इंक्लाइन, 5 डिग्री से कम है तो वो फ्लैट मेजर्स हो गया, ठीक है, ये है, तो उसको देखिएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रोलिक सैंड स्टोविंग, नेक्स्ट में क्या देखेंगे, हाइड्रोलिक सैंड